गुड्डू किधर है? आज का जो ब्लॉग है, आज मेरे पापा का बर्थडे, आज हम लोग के घर में फिर से एक पार्टी होने वाला है। सो पार्टी कुछ इस तरह से होने वाला है कि हम लोग का बैलून वैलून तो नहीं सजेगा, बट हाँ थोड़ा सा मस्ती होगा, केक कटिंग होगा, तो आप लोग को बर्थडे में पार्टी में ब्लॉग में सब दिखेगा। सो अभी हम लोग जा रहे हैं केक लेने, कुछ शॉपिंग करने, तो कुछ शॉपिंग मुझे भी करना, तो हम लोग जाते कुछ शॉपिंग करने और पापा के लिए केक लेने। तो जाते पहले आप लोग को सब कुछ दिखाएंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो चलते पहले और आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। ओके बाय बाय। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं और ये देखिए, जैसे कि जिससे छुप छुपा के हमेशा निकलते रहते हैं, आज वो देख के पूरा रोने लग गई है, मम्मी मत जाओ करके। ये भी जा रही है साथ में, तो हम लोग जाते हो। अभी एक कांड हो गया, मैं ऐसे निकल गई बिना पैसा लिए, पूरा निकल गई है। उसके बाद भी पता चला कि पैसा ही नहीं दी हूँ, फिर वापस गई हूँ जाके अपना पर्स लेकर आई हूँ। तो चलते जाके पहले सामान ले लेते हैं, आपको तो दिखाएंगे सब, तो चलते। सो गाइस हम लोग पहुँच गए, दिखाते हैं आपको। तो आते ही हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गुड्डू का शॉपिंग करना। ये देखिए, ये सिर्फ बच्चों का सामान का है, तो ये पैंट हम लोग देख रहे हैं गुड्डू के लिए, देखते हैं उसके ऊपर कैसा लगता है। चलिए पहले ले लेंगे सब कुछ। सो गाइस अब इतना सारा गुड्डू का सब हुआ है, मतलब अभी सबको सब ट्रायल करेंगे। आओ भी अंदर, हम अभी सब गुड्डू का ट्रायल करा देंगे, तो देख लेते हैं कौन सा उसके ऊपर अच्छा लग रहा है, मतलब इसमें से मतलब सब फिट हो रहा है कि नहीं। तो देख रहे कितना सारा शॉपिंग कर रही है ये, आप ये तो शॉपिंग करना ही है, तो चलते इसको पहले ट्राई कर लेते हैं, आप लोग को दिखाएंगे। और भी कुछ कुछ शॉपिंग करेंगे तो दिखाते हैं आप लोग को। सो गुड्डू का शॉपिंग हो गया है, बट मैं अपना देखने आई थी, मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रहा अपना किस टाइप का, थोड़ा सा उतना समझ नहीं आ रहा मुझे, देखते और भी अगर कुछ समझ आता है तो दिखाएंगे आप लोगों को। वैसे तो मेरा कुछ इतना समझ नहीं आ रहा, और इसका इधर चल रहा है बदमाशी। तो चलते हैं, चलो अपना कुछ देख लेते हैं, काफी देखते हैं, काफी देर से देख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तो कागज था, नीचे रखा गया था। मम्मी गोदी। हाँ क्या बोली? गोदी। मेरा शॉपिंग तो नहीं हो पाया, बैठा काफी कुछ शॉपिंग कर ली, गुड्डू का भी कर ली और काफी सारा घर का भी शॉपिंग कर ली। तो अभी बिलिंग चल रहा है यहाँ पे। हाँ जी स्टार्ट हो गया इसका बदमाशी। तो गुड्डू देखो, गुड्डू बेबी इधर आओ, इधर आओ। अच्छा गुड्डू किधर है? सो जैसे कि मैं बोली, मेरा शॉपिंग हो गया सारा और मेरा तो नहीं मिला कुछ भी यहाँ पे, तो देखते हैं ऑनलाइन ही बेस्ट होगा, ऑनलाइन से देखेंगे अपना। और अभी हम बाहर आए, अंदर में बिल्कुल नेटवर्क नहीं था, बाहर आए टोटो वाले को फोन करना है, तो फोन कर दिए, बुला दिए। ये दीदी आ रही है, पेमेंट वेमेंट कर चुके हैं सब, बस दीदी आ रही है गुड्डू को लेकर,
मैं बाहर निकल गई हूँ, तो चलते पहले देखते हैं और भी शॉप ढूंढ लेंगे, अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है। यहाँ पे तो मॉल टाइप का एक ही है, तो देखते और भी है एक, तो जाते हैं देखते हैं, अच्छा कुछ मिलेगा तो चलते। सो गाइस शॉपिंग हो गया है मेरा, तो टोटो वाले भैया भी आ गए, जाते टोटो में। देखो बैलून देखो कौन बैठ जाओ, ध्यान देना कहीं रास्ते के पीछे बैलून चले गए, चल जाएगी ना फोन को थोड़ा। सो गाइस शॉपिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोग आ गए केक लेने। आज तो मस्त मस्त केक है उठा, और गुड्डू भी लेकर आई अपने नानू का बर्थडे के लिए, ऑलरेडी एक बैलून केक लेना हो गया, और मेन चीज हमारा गुपचुप खाना भी हो गया। आज गुड्डू भी गुपचुप खाई है, लेकिन ऐसे बोल रही मम्मी आलू नहीं चुका 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 खाना है उसको, आलू नहीं खाना। तो चल रहे घर, घर जाके पापा लगा केक, पापा का केक कटिंग भी करवाना, तो जाके मेरे घर जाके आपसे बात करते ओके। सो गाइस हम लोग घर पहुंच गए और अब जा रहे हैं थोड़ा सा केक कटिंग का तैयारी कर लेते हैं, पता नहीं कोई आएगा कि नहीं। वैसे तो किसी को बोले नहीं है, बिकॉज मेरे पापा को नहीं पसंद है उतना बेलून सजाना, फिर मतलब केक कटिंग वगैरह करना, बट हम लोग का मन है ना कि मैं सबका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, सबका सब कुछ होता है, तो मेरे पापा का क्यों ना हो, तो इसीलिए हम लोग पापा का भी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो उस तरीके से एकदम धमाल से नहीं करेंगे, तो हम लोग करेंगे केक कटिंग वगैरह, उतना सजाएंगे जाएंगे नहीं, तो चलते चल के देखते कि क्या है। और ये गुड्डू तो बहुत ज्यादा मतलब हैप्पी है, घर आते ही अचानक से बोलती है आज तो नानू का बर्थडे है, आज तो नानू का बर्थडे है, उसका स्टार्ट हो गया। तो चल रहे हैं चल के जाके देखते क्या होता है। सो आज मम्मा बनाई है पापा के बर्थडे के लिए खाना, जो आपको दिखाते हैं, चिल्ली पनीर, घर में सबका फेवरेट है ये, और बना है खीर, और यहाँ पे नान बन रहा है। सो आज तो पापा का बल्ले बल्ले। तो चले पहले सबको खाना वाना परोस देते हैं, पापा को भी बहुत ही भूख लगा है, टाइम पापा का पार हो जा रहा है, तो जाते पहले पापा को खाना खिलाए, तो उसके बाद आपसे बात करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर पापा, बर्थडे बर्थडे दिलाए बर्थडे दिलाए, तुम्हारी हो हजारों साल है मोने पड़ेगा जी, और बात करने पर तो मोने पड़ेगा जी। अभी So guys, पापा का बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, केक कटिंग वगैरह हो गया है, और अब हम लोग मतलब सबको खाना भी खा लेंगे, हम अभी तक डिनर नहीं किया, हम डिनर करेंगे, तो हम सोचे पहले आप लोग से बात कर लेते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि शिवानी ये क्यों बोलिए कि आज तो पापा का बल्ले बल्ले है, तो उसका रीजन कुछ है, तो उसका रीजन ये है कि मेरे पापा का जब तबीयत खराब हुआ था तब से लेकर आज तक मेरे पापा पहले 2 ग्राम नमक का खाना खाते थे, फुल डे, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर, एवरीथिंग जस्ट 2 ग्राम नमक का। और उनके उसके बाद जब पापा डॉक्टर दिखाएंगे गए तो बोले थोड़े बेटर है, तो उसके लिए 5 ग्राम नमक, तो आज तक उनका 5 ग्राम नमक से ही काम चल रहा है, तो 5 ग्राम नमक का खाना खाते हैं। और जैसे कि आज पापा का बर्थडे है, तो आज उनको अच्छा खाना मिला, जैसे कि खाना हमें सही मिलता है बट नमक कम रहता है, तो आज उनको अच्छा खाना मिला है नमक वाला, मतलब अच्छा सा
तो इसीलिए कुछ पार्टी फंक्शन वगैरह होता है तो मेरे पापा को थोड़ा अच्छा लगता है, जैसे कि हम लोग खुद भी अगर नमक वाला नहीं खाएंगे तो मेरा मुँह कितना खराब लगेगा। तो मेरे पापा आज कितने टाइम से ऐसे खा रहे हैं, तो इसीलिए मैं बोली कि पापा का तो हाथ बल्ले बल्ले है। तो आप लोग इस चीज़ का कुछ गलत माइंड मत लीजिएगा, मैं इसीलिए इसको शेयर कर दिया आप लोगों के साथ, वरना आप लोग बोलेंगे कि ऐसा क्यों बोली कि पापा का बल्ले बल्ले, तो उसका रीज़न यही था। ओके, तो चलिए आज का वीडियो यही पे एंड करते, ज़्यादा लंबा नहीं करते। सो आज के लिए अगर आप लोग को आज का वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे वीडियो को, और जो मेरे चैनल में न्यू है अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और मेरे न्यू वीडियोस के अपडेट के लिए आप लोग तैयार रहिए। तो और आज के लिए टाटा बाय बाय। किसी कर दो बेबी, बोलो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बोलो मुझे भी इंस्टाग्राम में फॉलो कर दीजिएगा। वैसे आप लोग को पता नहीं होगा मैं मतलब एक्चुअली कभी शेयर ही नहीं की हूँ, तो मेरी गुड्डू का भी एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जो अभी यहाँ पे आप लोग शो कर रहा होगा। सो प्लीज मुझे और सचिन जी को और मेरे गुड्डू को, तीनों को हम लोग को इंस्टाग्राम में फॉलो कर दीजिएगा, और आप लोग तो जानते ही है डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक्स दिए हुए, जाइए जाइए जल्दी से जाके मुझे वहाँ पे फॉलो कीजिए, मेरे डांस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए गाइस। सो आज के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर, आप लोग से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।